Father God, we thank you and we praise you. Today, as we gather here to listen to your word, your word is the truth, and we believe in the truth. Lord Jesus, from this past two days, we have been learning your word about the truth that we have the mind of Christ, how the Holy Spirit works in us. And Lord Jesus, we believe. That your Holy Spirit is always guiding us in all our ways, in all our, and setting us free from all the obstacles. And Lord Jesus, today as we learn this word, whatever we are going to learn, we believe that it has changed our heart. You have helped us to renew our mind. We are not conformed to this world, but we are transformed by renewing our mind. I make this prayer through Christ our Lord. Amen. Okay. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nay? Praise God. Good morning. Good morning, my dear students. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, now let's go to John 3:16. Johann 3:16. Gospel of John. थ्री okay. ओके oh. आपको दिख रहा है वचन दिख रहा है Okay, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर बाद में हम uh, हिंदी में पढ़ ओके okay, अभी यहां पर लिखा है फॉर गॉड रिपीट आफ्टर मी फॉर गॉड सो लव दर्ड दैट ही गेव हिज ओनली बी गॉट इन सन दैट हु

त्याने आपला एकुलता एक पुत्र एक दिला आशा साठी की जो कोणी ताचावर विश्वास ठेवतो ता... तर त्याला ता सार्वकालिक जीवन प्राप्त भावे गॉड ओके तो यहाँ पे हमें वचन बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है जो महान परमेश्वर है वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने खुद के बेटे को हमारे लिए इस धरती पे भेजा ओके okay, पहली बात तो प्रेम क्या है वट इज लव वट इज लव गॉड सिंपल लैंग्वेज में क्या आप uh, आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हो आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हो यस राइट सो जैसे uh, अभी दो प्रकार के प्रेम होते ह्यूमन लव एंड गॉड लव गॉड्स लव ओके मनुष्य का प्रेम और ईश्वर का प्रेम अभी मनुष्य का मनुष्य का प्रेम कैसे होता है पता है वो पूरी भावनाओं से भरा होता है इट इज फिल्ड विद फीलिंग्स फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्ची है ओके okay, तो वो उसके मम्मी ने उसको सुबह एक नया ड्रेस ला के दिया ओके okay, एक नया ड्रेस लाके दिया तो अपने मम्मी को चाह के बोलते थैंक यू सो मच मम्मा आई लव यू ओके okay, सुबह उसने बोला थैंक यू सो मच मम्मा आई लव यू आपने इतना अच्छा ड्रेस मुझे दिया है तो शाम को उसे उसके फ्रेंड्स के साथ सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाना होता है तो उसके मम्मा को बोलती है तो मम्मा क्या बोलते हैं नहीं अभी ये टाइम पे बाहर नहीं जाना है एग्जाम सारे रहे आपको पढ़ाई करना है तो बाहर नहीं जाना है तो वो नाराज़ होते है, हो जाती है मम्मा से वो बोलते हैं कि नहीं अभी मुझे आपसे बात नहीं करना है मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो क्या हुआ यहाँ पे सुबह उसने क्या बोला था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ शाम को क्या हुआ प्रेम बदल गया तो यहाँ पे क्या हुआ उसका जो उसके जो भावना थे फीलिंग से वो बदल गए क्यों सामने वाला इंसान जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर हमारा प्रेम बदल जाता है ओके okay. हमारा जो प्रेम होता है ह्यूमन लव जो मनुष्य का प्रेम है वो स्वार्थ है सेल्फिश ओके okay. हम क्या करते हैं अगर तुम मेरे लिए अच्छा करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा ऐसे हम बोलते हैं ना अगर आपने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा ये दूंगा वो दूंगा अगर तुमने बुरा किया तो हम ना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुमने बुरा किया तो आ, हमारी फ्रेंडशिप खत्म ऐसे करते हैं ना होता है स्कूल में बच्चे होता है ना स्कूल में अगर टीचर ने हमें कुछ होमवर्क दिया हमने पहले तो टीचर के बात सुनते हैं अच्छे से पढ़ाई करते अगर कुछ मिस्टेक किया तो टीचर हमें डांटती है फिर हम क्या करते हैं टीचर से नाराज़ हो जाते हैं पढ़ाई ठीक से नहीं करते राइट अगर अच्छा अच्छा बात किया तो अच्छे टीचर से अच्छे बात करते अगर फ्रेंड्स ने कुछ शेयर किया तो उनसे अच्छा बिहेव करते जो शेयर नहीं करते उनसे दूर रहते हैं राइट लेकिन जो ईश्वर का प्रेम है वो सेम ही रहता है कभी नहीं बदलता ओके okay. जो ईश्वर का प्रेम है वो हमेशा आ, सेल्फलेस प्रेम है वो हम सबसे समान प्रेम करता है चाहे हम उसे बुरा बोल बुरा गुस्सा हो गए हा निस्वार्थी निस्वार निस्वार्थी तो ईश्वर का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थी होता है चाहे हम उस पर गुस्सा हो जाए चाहे हम प्रार्थना बंद करें चाहे हम चर्च जाना बंद करें लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आई एम ऑलवेज दे फॉर यू वेन एव यू कॉल मी आई बी दे फॉर यू आप मुझे कभी भी पुकारो मैं आपके साथ हूँ ऐसे ईश्वर हमें बोलता है इसलिए उस प्रेम के खातर उसने इस आ, संसार में अपने पुत्र को भेजा अभी ओके सो जब जब आप आप किसी से से प्रेम करते हो तो आप खाली बोलते हो लेकिन प्रेम हमें एक्शन से भी दिखाना होता है ना तो एक्शन हमारा कैसे होना अगर हम भगवान जीसस के प्रेम में बड़े हो रहे हैं तो हमारा एक्शन हंड्रेड परसेंट होना चाहिए और जो एक्शन होता है वो हमारे आ, आ, वो जो एक्शन होते हैं वो बदल जाते हैं जैसे अगर हमारे सामने इंसान अगर वो अच्छे से बिहेव करे जैसे मैंने बोला अगर वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करे तो हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करते अगर उसका एक्शन 100 परसेंट अच्छा है तो हमारा भी प्रेम 100 परसेंट अच्छा रहेगा अगर उसका एक्शन जीरो है खराब है बहुत तो हमारा प्रेम भी ज़ीरो होता है तो वो सब भावनाओं पर होता है लेकिन भगवान ने गॉड ने हमें क्या बोला है कि आप आपके पड़ोसियों पे आपके दुश्मन से प्रेम करो चाहे वो आपको बुरा बोले ये बोले वो बोले आप उनसे प्रेम करो आपको पता है हमारे इस दुनिया में पाप कैसे आया एनी चिल्ड्रन कैन आंसर हाँ आदम एंड ईव से ओके एडम एंड ईव सो जब गॉड ने जब गॉड ने ये दुनिया बनाई पहले उसने जब मनुष्य को बनाया तो गॉड ने क्या किया मनुष्य को सब कुछ उसके हाथ में दिया ये पूरे संसार को उसने कहा कि तुम Uh, पशु पक्षियों को प्राणियों को सबको नाम देना यू हैव टू गिव और सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया तो जब मनुष्य ने पाप किया वेन द मैन कमिटेड द फर्स्ट सीन आफ्टर दैट दिन केम इन टू दिस वर्ल्ड ओके तो अभी पाप बढ़ गया था बहुत सारे प्रॉफिट्स आए बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये गलत है ऐसे लेकिन फिर भी पाप बढ़ रहा था तो उसके लिए चीजस ने गॉड ने क्या किया ईश्वर ने क्या किया उसने खुद के बेटे को इस धरती पे भेजा ताकि हम सबका पाप वो अपने ऊपर ले और हमें उस पापों से मुक्त कर सके हमारे जीवन में प्रेम ला सके उसके पहले क्या हमें पता था प्रेम क्या उसके पहले मतलब बहुत सारा पाप था तो तब लोग सक्रीफाइस करते थे ओल्ड टेस्टमेंट में जुना ओल्ड टेस्टमेंट में लोग भगवान जीसस को ईश्वर को प्लीज करने के लिए उनको उनसे माफी मांगने के लिए वो क्या करते थे सैक्रीफाइस करते थे पाप को भूल जाने के लिए हेलो हेलो प्रेस्ट इज ओके सो हेलो प्रेस ओके सो ईश्वर का हाँ, तो लोग सैक्रिफाइस करते थे अपने पाप को आ, जो पाप से मुक्त होने के लिए ये वो सैक्रिफाइस करते थे लेकिन वचन में जब यीशु क्रिस्त ने अपने आप को क्रूस पे क्रूस पे बलिदान दिया तब उसने हमारे सारे पाप उसके ऊपर लेके हमें पाप से मुक्त किया वो एक सबसे बड़ा प्रेम था कोई आप में से कोई अपने फ्रेंड्स के लिए अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे प्रेम दिखा सकता है नहीं राइट वी कांट हमारा प्रेम थोड़े टाइम के लिए होता है अगर कुछ गलत हो जाए तो हम नाराज होते इवन मी मैं भी नाराज हो जाती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आई लव यू एंड ऑल बट बाद में अगर कुछ गलती हो जाए अगर झगड़ा हो जाए तो मैं नाराज हो जाती हूँ सो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स राइट हम हमारे अंदर ये सब चीज़ें होती है लेकिन वो चीज़ें हमें बदलना चाहिए हमें हमारा हमारे माइंड को रिन्यू करना चाहिए जैसे आ, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं अपने नेबर्स पे आ, अपने फैमिलीस टू

I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute, uh, persecute you. you know in Hindi ya Parantu मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने से प्रेम रखो प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो प्रार्थना करो ओके okay, नेक्स्ट आगे भी है ना हाँ आगे भी, भी क्योंकि यदि तुम क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले को अपने प्रेम रखने वाले को से प्रेम रखो तो प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा तुम्हारे लिए क्या फल होगा क्या मासूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते हैं आगे ओ, बस बस। so, क्या बोला है इधर यहाँ पे क्या कहा है जो आपको सताता है आपके लिए बुरा बोलता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रार्थना प्रेम करना चाहिए प्रार्थना करना चाहिए राइट और वो प्रेम हम कैसे करेंगे जीसस को हमारे अंदर रख के उन्हें ब्लेसिंग दे सकते हैं अगर वो आपको बुरा बोल रहे हैं तो हम उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं वचन बोलता है कि अगर आप जब आप उसको ब्लेसिंग देते हो तो आपका और जी का जो रिलेशनशिप है जो हाँ नाता है वो एकदम गहरा हो जाता है इट बिकम्स डीपर राइट सो जब आप अपने शत्रु को अपने जो आपके लिए बुरा करते उनको जब आप क्षमा करते हो उनको फगीव करते हो और उनके लिए ब्लेसिंग्स देते हो तो आपके ऊपर भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ जाते हैं और आपको भी आपका रिलेशनशिप नाता भी यीशु के साथ बहुत गहरा हो जाता है लेकिन क्या हम देते हैं क्या हम किसी को देते हैं या लेते हैं लेना चाहते हैं? हमें चाहिए या देना है हम लोग तो लेते हैं राइट लेकिन गॉड ने क्या किया परमेश्वर ने क्या किया उन्होंने कि दिया किसको दिया हमारे लिए उसके बेटे को तो जैसे परमेश्वर ने अभी देखो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास उससे दुगना आ जाता है ओके जब हम किसी को फकीव करते हैं तो हमारे जो हमारे जो फकीवनेस है हमारे जो पाप है वो वो भी और ज्यादा फीव हो जाते हैं चीजें हमारे पाप फगीव करते हैं अगर अगर किसी ने कुछ गलती किया और आप उसको फकीव नहीं किए और आप जाके गॉड को बोलोगे कि मैंने ये पाप किया है मुझे आप फगीव करो फगीव करो तो क्या वो करेंगे नहीं क्यों क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए नफरत है किसी के बारे में गलत है किसी के बारे में बहुत गुस्सा है तो भगवान जीसस uh, आपको फकीव नहीं कर सकता है अगर आप uh, अपने दिमाग uh, uh, मन में अच्छी चीज़ें नहीं रखोगे तो हाउ कैन यू मेक अ वे फॉर द होल स्पिरिट टू वर्क इन यू अनलेस यू मेक अ वे अनलेस यू नॉट मेक अ वे फॉर द होल स्पिरिट कैन नेवर एंटर इन योर हार्ट एंड चेंज योर हार्ट तो हमें पहले खुद फकीव करना चाहिए जब हम दूसरों को फकीव करते हैं तब हमारे जो भी पाप है जो भी हमारे अंदर बुरा भरा है वो सब फगीव हो जाता है जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास वो और ज़्यादा होता है अभी हमने आ, हमारे दुनिया में हमने क्या सीखा अभी स्कूल में हम क्या सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सम दिया टेन माइनस सेवन कितना होता है टेन माइनस सेवन थ्री आप बोलोगे थ्री अभी आपको आ, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो आपके पास दस रुपए है ओके okay. तो आप आ, एक गरीब व्यक्ति दिखता है आपको आपके जेब में खाली दस रुपये और कुछ पैसे है नहीं आपको बहुत दूर तक जाना है और खाने के लिए वो दस रुपये आपने आपके पास रखे थे लेकिन रास्ते में आपको एक गरीब इंसान मिलता है उसके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत भूखा है तो आपने सोचा कि ठीक है मैं उसको ऐ... मेरे पास से थोड़ा पैसा देता हूँ तो आपने उसे वड़ा पाव लेके दिया ओके वड़ा पाव पसंद है सबको तो वड़ा पाव आपने उसने उसको लेके दिया तो सेवन तो रुपीज का था वड़ा पाव तो आपने उसको तो सेवन रुपीज दे दिया अभी आपके पास कितने बचे जिसको पसता है डोंट से शो कितने बचे थ्री तीन रुपए बचे इधर से कोई बोल नहीं रहा है त्री रुपीज ये हमें किसने सिखाया है किसने सिखाया स्कूल में टीचर में मैं भी यही सिखाती हूँ मैं भी यही सिखाती हूँ स्कूल में तो हमें स्कूल में क्या सिखाया अगर आप इसमें से इतना माइनस करो तो आपके पास इतना बच जाता है नहीं तो टीचर क्या करते हैं रॉन्ग देंगे आपने और कुछ लिखा तो बट हमें वचन क्या बोलता है लुक 638 लुकास का पुस्तक गॉस्पल लुकास का सुसमाचार छे अध्याय 6 वचन 38 हां सुमत असल समझ give and it shall be given unto you. good measure, pressed down and shaken together. and running over. okay. may the peter bowl give and it shall be given unto you. good measure, pressed down, shaken together. and running over.

दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ब्रदर एक मिनट एक मिनट क्या बोला है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जबा जबा जाएगा। गुणी 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 दिया करो लिया जाएगा दिया जाएगा दिया करो दिया करो दिया जाएगा। दिया जाएगा। तो तुम्हें, तो तुम्हें भी दिया जाएगा तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर। नाप दबा, दबा कर।, और हिला हिला कर और हिला हिला कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ और, हुआ और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में डालेंगे डालेंगे ओके एक मिनट एक मिनट तो क्या बोला है पांच चीजें फर्स्ट दबा दबा कर हिला हिला कर और तुम्हारी उबलता में, हुआ। हुआ। में दिया जाएगा फाइव थिंग प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग गोअ गिव इन टू योर बूजर ओके तो हमने अगर सेवन रुपीज दे दिया तो हमें कितना आएगा अगर सात रुपए दिया नहीं एक मिनट सात रुपए दिया तो कितना आएगा नीचे क्या लिखा है ब्रदर आगे बढ़ो दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग नाप दबा दबा कर, कर। लोग हिला 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 उबरता हुआ और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में डालेंगे डालेंगे क्योंकि क्योंकि जिस नाप से जिस नाप से तुम नापते हो तुम नापते हो उसे से, उसी से तुम्हारे लिए भी तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा नापा जाएगा तो जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा लेकिन क्या उसमें और ज्यादा दिया जाएगा दुगना तो अभी सात है सात रुपए दिए तो कितना आएगा सात सौ तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है अगर आपने उसको थोड़ा भी कुछ दिया तो आपके पास और ज्यादा आएगा अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ब्लेसिंग दिया आपने थोड़ा अच्छी बातें बोली आपने किसी को मदद किया तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें आपके ऊपर आएगी अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंसल्ट दिया मैंने आपको अपमान किया आपका तो मुझे क्या मिलेगा अपमान मिलेगा राइट और कैसे आएगा वो अपमान वो अपमान कैसे आएगा मेरे पास हाँ दुगना, और ज्यादा अपमान आएगा राइट yes or no? ये सुनो अगर आपको मैंने अपमान किया तो मेरे पास कैसे आएगा अपमान और ज्यादा डबल आएगा ओके okay, जो भी आप चीजें करते हो चाहे गलत कर रहे हो या अच्छी कर रहे हो वो चीजें आपके पास डबल आएगा तो वचन अच्छा हमें क्या करता है कहता है कि आप जब किसी को अच्छी चीजें दोगे तो तभी आपके पास अच्छी चीजें आएगी अगर आप किसी को ब्लेसिंग देते हो तो आपके पास ब्लेसिंग आएगी आप किसी को श्राप देते हो तो आपके पास श्राप आएगा आपको अच्छा करना है या बुरा चाहिए अच्छा चाहिए तो हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए हमारे दिल में वचन कह रहा है इसके लिए नहीं हां अगर हम ऐसे बोले ओके यहां पे वचन कह रहा है कि मैं अगर उसको आ, अच्छा दूंगा तो मेरे पास अच्छा है तो वचन के लिए खाली कर रहे हैं ऐसे है नहीं अगर आपके दिल से वो नई चीज आ रही है तो कोई फायदा नहीं होगा उसका फिर आपके पास वो भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जो था वो भी लेके जाएंगे तो अगर आप जो चीजें देते हो अच्छी चीजें अगर आप वो दिल से देते हो तभी वो अच्छी चीजें यीशु आपको और दुगनी तरीके से देते हैं ओके प्रेस गॉड ना नाउ uh, अभी सबका बैप्तिजम हुआ हुआ नहीं अगर किसी का नहीं हो ओके okay. तो आप लोग विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर करते हो जब आपका बैप्टिज हुआ था तब आपको किंगडम ऑफ गॉड स्वर्ग का राज्य आपको दिया गया था आ, अभी मोस्टली सबका बैप्टिज्म कब होता है जब हम लोग जस्ट बॉर्न हुए थे चार मंथ फाइव मंथ सिक्स मंथ के बाद होता है राइट एकदम छोटे होते तब हमें कुछ पता होता है नहीं हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है वर्ड के बारे में जीसस के बारे में ईश्वर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है तब हमें बैप्टिज़म दिया जाता है तो जब हमारे हमें बैप्टिज़म मिलता है तो हमारे ऊपर जो ईश्वर स्वर्ग का राज्य है वो भी दिया जाता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बड़े हो थोड़े से बड़े होने के बाद हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं एक ग्रुप बनता है फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरें डिस्कस होती है दुनिया की बातें होती है ये वो बताया जाता है तो हमारे अंदर क्या आता है दुनिया का ज्ञान आता है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे न्यूज देखते हैं तो न्यूज में अभी कौन सी जगह पे क्या चल रहा है वो सब हमें पता चलता है वो सब अ, अभी आ, अ, अगर आप न्यूज पे देखो कि यहाँ पे आ, किसी जगह पे आग लगी है मतलब शायद वो जगह आपके नजदीक हो तो वो नॉलेज आपके अंदर आ जाता है, और फिर वो आप क्या करते हो? उसी नॉलेज को लेके बैठे अभी ये हुआ अभी वो हुआ तो हम क्या करते हैं दुनिया की चीजों पे ध्यान देते हैं क्या जो हमें ईश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य दिया है. क्या हम उसे जानने की कोशिश करते हैं बचपन से ही कुछ बच्चे संडे क्लास कैटेगम क्लास के लिए जाते हैं उनको वहाँ पे पढ़ाया जाते हैं लेकिन वो सिर्फ उधर तक घर पे आने के बाद हम क्या करते हैं टीवी फोन या फिर बाहर जाना घूमना ये वो उस पर ध्यान देते हैं राइट क्या हम स्वर्ग का राजशो उसे, उसे और जानने की कोशिश करते हैं नहीं राइट तो फिर हमें अगर अगर हम उस बारे में नहीं जानेंगे ईश्वर के और करीब नहीं होंगे तो हमें तो वो स्वर्ग का राज्य जो दिया है वो भी तो भगवान लेगा ना गॉड विल टेक इट अवे नो यस अगर जो अगर हम वो स्वर्ग के राज्य के ऊपर नहीं आ, ध्यान देते उसको पढ़ आ, उसके हिसाब से नहीं चलते जो स्वर्ग का मार्ग है यीशु का मार्ग क्या है उसके बाइबल के वचन हम मनन चिंतन नहीं करते यीशु जैसे हमें बताता है वैसे हम अगर नहीं करते और हम खाली दुनिया की चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो क्या हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा जीसस ने सारे लोगों को स्वर्ग दिया है वो जो नरक है वो नरक किसके लिए है खाली शैतान के लिए बनाया वो नरक किसके लिए बनाया है सिर्फ शैतान के लिए बनाया लेकिन हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं वो शैतान की बातें सुन के फिर हम वो नरक की तरफ जाते आपको right? आपको समझ आ रहा है? Confused हो रहा है? है? हो अगर आपको confused होगा मुझे बताना आई ट्राई टू एक्सप्लेन इजी वे तो हम क्या करते हैं शैतान की बातें सुन के जो वो नरक खाली शैतान के लिए बनाया था जी ईश्वर ने लेकिन हम क्या करते हैं शैतान की बातें सुनते हैं पाप करते हैं पाप में जाते हैं ये दुनिया की चीज़ों में ध्यान देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो माइंड है कम्प्लीटली उधर जाता है और फिर हम नरक की तरफ जाते हैं तो फिर हमें स्वर्ग प्राप्त होगा नहीं मिलेगा अगर आप वचन को नहीं समझोगे आप वचन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता है जब तक आप अपना माइंड नहीं चेंज करते हो कि मुझे ये मैं इस, अभी वो इंसान ने मुझे यीशु के जानो मुझे स्वर्ग चाहिए खाली तो उसके वो हिसाब से नहीं हमें क्या कि मुझे येशु को जानना है मुझे मेरे अंदर येशु का प्रेम एक्सपीरियंस करना है अनुभव मुझे ईश्वर का प्रेम अनुभव करना है। जब तक आप ईश्वर का प्रेम अनुभव नहीं करोगे जब तक आप उसके उसके विचार को नहीं समझ सकते हो तब तक हम हमें कुछ आ, हम उसके मार्ग से नहीं चल सकते ओके okay? सो so, हमें अगर ईश्वर के मार्ग से चलना है तो हमें उसके वचन को फॉलो करना चाहिए वो हमें बताते है कि आप अपने शत्रु से प्रेम करो अगर कोई आपके एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल भी आगे करो हम करते हैं वैसा नहीं हम दूसरे उसको मारते उल्टा तो ईश्वर ने क्या बोला अभी इश, जब यहाँ पे दुनिया में बहुत सारा पाप था तब गॉड को भी लगा होगा ना कि Uh, मतलब वो अपने पुत्र को, को जो कुछ भी पापी नहीं था उसको पाप का कुछ भी पता नहीं था ही वाज व्हाट व्हाट ईस जीसस उसका पुत्र जो था वो निर्दोष था उसको कुछ भी पाप के जान uh, पाप में बिल्कुल नहीं था ऐसे पुत्रों को अगर इस धरती पर भेजेंगे तो क्या होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल uh, अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ ओके आई एम ए टीचर तो मैं जिस स्कूल में सिखाती हूँ वो बॉयज़ स्कूल है ओके इट्स अ बॉयज़ स्कूल मैं प्राइमरी से प्राइमरी को सिखाती हूँ सेकेंड स्टैंडर्ड तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो मतलब बहुत ज़्यादा मस्तिकोर किसी की बात नहीं सुनते किसी को ध्यान ये नहीं ध्यान नहीं देते झगड़ा करना तो अभी फिफ्टी बॉयज है क्लास में जब मुझे भेजा वो पहले दिन वो क्लास में तो लाइक मैं डर गई मैं कैसे अभी करूँगी क्लास को हैंडल क्योंकि मेरा क्लास कंट्रोल तो अच्छा नहीं था तो मैं वो क्लास में जाने के लिए डर गई अगर ऐसे किसी इनोसेंट बच्चे को हम अ, 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 अगर उस क्लास में भेजेंगे तो वो डर जाएगा ना इतने सारे बच्चे हैं झगड़ा हो रहा है कैसे होगा माता पिता पेरेंट्स डर जाएंगे ना कि ये क्लास अभी आपके, आपके स्कूल में अगर कुछ होता है मस्ती होती है तो पेरेंट्स पहले कॉल करते हैं ना कि इस बच्चे ने इसको मारा आप कैसे करते हो ये वो ऐसे बोलते हैं ना राइट तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना पेरेंट्स को डर लगता है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है क्लास में है तो क्या वो सुरक्षित है सही से है ये डर लगता है ना लेकिन ईश्वर ने क्या किया इतने सारे ये पूरी दुनिया में इतना पाप था फिर भी उसने उसके पुत्र को यहाँ पे भेजा क्यों भेजा ताकि हम हमें प्रेम मिल सके ईश्वर ने हमें क्यों बनाया प्रेम के लिए हम उससे प्रेम करें और जो हमारे आजू बाजू में उनसे प्रेम करें उन ईश्वर को क्या चाहिए खाली प्रेम चाहिए हमें इसीलिए ही ईश्वर ने हमें बनाया राइट उसने तो हमें ये पूरी दुनिया पे राज करने के लिए दिया ना वो तो खुद भी आ सकते थे यहाँ पे राज्य करने के लिए ये तो उनका ही है तो वो खुद भी राज कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्या किया ये सारी दुनिया बनाई और उसने आरम को क्या कहा कि दुनिया पे तुम राज करो फल द्रुप हो यहाँ पे सब तुम पशु पशुओं को पशु पक्षियों को नाम दो तो लेकिन पाप जब आया तो बहुत सारा पाप हो गया तो उसने उन्होंने क्या किया ईश्वर ने उनके पुत्र को यहाँ पे इतने सारे लोगों में भेजा ताकि हमें प्रेम मिल सक प्रेम के बारे में हम जान सके क्योंकि ईश्वर हमसे प्रेम करता है उनको वो तो गुस्सा हो वो तो पूरी दुनिया को ही तबाह कर सकते थे राइट इतना पाप था कि वो तो दुनिया को भी उनके पास तो पावर है राइट जीसस जीसस जब क्रॉस पे उन्होंने बलिदान दिया अपना उनके पास पावर था ना जीसस के पास पावर था कि वो क्रॉस को भी ना बोल सकते थे सबको वहाँ पे जो थे लोग उनको वो नष्ट कर सकते थे बट उन्होंने किया वैसे नहीं किया उन्होंने क्या किया हमारे प्रेम के खातर उनको हमसे हम प्रेम था इसलिए उन्होंने क्या किया बलिदान दिया क्रॉस पे तो जैसे यशु हमसे प्रेम करता है परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं क्या हम ऐसा प्रेम दूसरों से नहीं कर सकते हमें कोई नहीं बोल रहा है कि आप जाके क्रॉस पे मरो उनके लिए ऐसे कोई नहीं बोल रहे और ऐसा नहीं होने वाला है खाली हम हमारे एक्शन के द्वारा हमारे वचनों के द्वारा हम उनको प्रेम दिखा सकते हैं राइट यस आपको नींद आ रहा है नींद आ रहा है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हालया हाली ओके तो Abhi, uh, john 316 back to john okay okay uh, let's all stand up for five minutes uh, one minute okay we'll pray in tongues huh. we'll pray in tongues stand for five minutes uh, one minute okay.

those who cannot pray hallelujah those who cannot pray in tongues speak hallelujah 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 thank you jesus thank you jesus praise you jesus hallelujah 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 जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप हालेलुया करके स्तुति कर सकते हैं अले बोल सकते हैं धन्यवाद यशु बोलते हैं जब आप बोलते हो प्रभु को आप स्तुति कर रहे हैं सही बात है क्या नहीं हाली लुया तो आपको जब कोई बोलता है प्रभु का स्तुति करना है तो आपको करना है हृदय से करना है हाल लुहिया थोड़े से ज़ोर से बोलेंगे इंग्लिश में बोलिए अगर आपको इंग्लिश समझ आए तो इंग्लिश में आप बोलिए हिंदी में बोल सकते हैं मराठी में बोल सकते हैं स्तुति कीजिए जोर से अन्य भाषा का वरदान भी काफ़ी लोगों के पास है है क्या नहीं है अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं चलो कीजिए जल्दी से alleluia 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 लुआ मुंह खोल के बोलिए मुंह खोल के बोलिए मुंह खोल के बोलिए अपने आंखें बंद रखिए प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए आखें बंद रखिए रेबे रेबे बारा 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 कल्पना कीजिए आप प्रभु से बात कर रहे हैं कल्पना कीजिए आप प्रभु से बात कर रहे हैं आप प्रभु से बात कर रहे हैं प्रभु यहाँ पर है हमारे बीच में बाइबल में लिखा है जहाँ पे दो या तीन व्यक्ति उपस्थित है प्रभु वहाँ पर है प्रभु यहाँ पे है हमारे बीच में है हमारे साथ है और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा अपने शब्दों पर नियंत्रण लेते हैं और जो शब्द निकलता है उसके द्वारा स्वर्ग में जाता है हमारे शब्द और वहां पर हमारा बातों का जो भी प्रार्थना करते हैं उसको स्वीकार हो जाता है उरा शाबा बारा शाबा बारा 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 बेरे बारा बारा बेरे ला बरा बेरे बरा इधर उधर नहीं देखिए प्रभु से बात करिए प्रभु से बात करिए Ura shabha harala bala 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 ba. Eresh be re bere. Ura shabha bara la hara karana mai yara la bara 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 bara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Alleluia. Alleluia. आलेलुया। आलेलुया। बैठ जाइए सब okay. तो अभी आगे यहां पे क्या लिखा है हम फिर से एक बार ये स्क्रिप्चर पढ़ते फॉर गॉड सो लव वर्ल्ड दैट ही केव हिज ओनली बेगॉटन सन That whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. तो यहाँ पे क्या लिखा है जो इंसान यीशु पे विश्वास करेगा विश्वास मतलब क्या विश्वास मतलब क्या वट इज बिलीविंग या, सो या एक्शंस करेस्पॉन्ड टू द मैसेज दैट वी हीयर दैट इज बिलीव सो हमें जो बताते वचन क्या हम उस पर विश्वास करते हैं आ, जो हमें मैसेज मिल रहा है क्या हम उस पर वो तरीके से एक्शन करते हैं करते हैं या नहीं अगर मैंने आपको यहाँ पे वचन दिया ओके okay. बाहर जाने के बाद क्या वो वचन आप प्रैक्टिस में डालते हो आपके एक्शन में एक्शन में वो वचन दिखता है हाँ आ, आपके कार्य में वो वचन दिखता है वो अच्छी चीजें दिखती हैं नहीं तो जब तक हम जो भी हमें मैसेज जो भी हमें वचन पढ़ाया जाता है वो हमारे विश्वास से हम नहीं करते हैं तब तक हम हम यीशु के हमें अनंत जीवन नहीं प्राप्त होगा अभी यहाँ पे लिखा है जो इंसान यीशु पे विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा अगर जो जो विश्वास नहीं करता उसका नाश होगा हम सब विश्वास करते हैं राइट अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें यीशु क्या बताता है कि तुम्हें एक अनंत जीवन मिलेगा अभी आप यहाँ पे बोलोगे मैं विश्वास करता हूँ लेकिन आप यहाँ से अगर बाहर गए रिट्रीट खत्म होने के बाद वापस घर पे गए तो क्या आप वो विश्वास रख सकते हो हमेशा के लिए नहीं रहता है जब तक आप वर्ड जो आपको वचन मिलता है वो प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको उस पर मनन चिंतन नहीं करोगे मेडिटेट वेन यूटिल यू डोंट यू मेडिटेट ऑन दैट वर्ड

Now, can we go to uh, one Corinthians thirteen four? हालेलुया हालेलुया मराठी में हिंदी हिंदी में में थ्री थर्टीन फोर ओके फर्स्ट विल रीड इन इंग्लिश लव इज पेशेंट लव इज काइंड लव इज नॉट एनवियस और बोस्टफुल और बोस्टफुल और और एरोगेंट और एरोगेंट अभी यहाँ पे क्या लिखा है प्रेम कैसा है प्रेम धीरजवंत दी... दी। है प्रेम प्रेम धीरजवंत है धीरजवंत है और कृपालु है और कृपालु है प्रेम डाह नहीं करता प्रेम नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है और फुलता नहीं है ओके okay. तो प्रेम कैसा होता है जब हम वचनों के हमें अगर वचन वचनों के प्रेम से द्वारा चलना है तो वो कैसा होता है प्रेम वो नम्र होता है पेशेंट होता है धीरजवंत ओके okay. अगर आ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है मेरे अंदर धीरज नहीं है तो क्या मैं प्रेम में चल सकता हूँ मेरे अंदर पैशन है तो मैं क्या करूँ ये वो एकदम यू नो अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मतलब मैं आ, जो चीज़ें करूँगा गुस्से में होगा हमेशा गुस्से में रहूँगा मेरे मुँह पे हंसी नहीं रहेगी दिल में सबके बारे में नफ़रत होगा और मुझे किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना मैं एक जगह पे बैठ सकूँगा ओके मैं यहाँ वहाँ पे घूमता रहूँगा तो प्रेम कैसा है धीरजवंत है काइंड काइंड मतलब अगर किसी को मदद चाहिए आप उसको मदद करते हो कभी कभार आप देखते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप आ, अभी आपका आ, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कम्प्लीट है आपको आपके फ्रेंड्स ने पूछा कि क्या तुमने ये असाइनमेंट कम्प्लीट किया है ना क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इसके लिए मुझे क्या लिखना है तुम मुझे बता सकते हो तो आप लोग क्या बोलोगे कभी कभी कोई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं Uh, मेरी मम्मी ने बोला है कि उनको बुक चाहिए तो मैं नहीं दे सकता हूं। उनके मम्मी ने नहीं भी बोला होते तो हम फिर भी क्या बोलते हैं कि मुझे मम्मी मम्मी गुस्सा होगी अगर मैंने तुम्हें बुक दिया तो मैं नहीं दे सकता हूँ ऐसे करते हैं करता है कोई आप लोग तो बहुत अच्छे हो हमारे टाइम पे तो बहुत मतलब ऐसे हम लोग करते थे इवन आई डन तो क्या करते हम लोग हम उनको हेल्प नहीं करते हम उनकी तरफ काइंड नहीं है वी आर नॉट काइंड तो वहाँ पे क्या दिखता है कि हम खाली अपना सोच रहे हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते वी आर बींग सेल्फिश ओके अंडरस्टैंडिंग आई यू आर अंडरस्टैंडिंग ओके सो हम अगर दूसरों की तरफ काइंड रहेंगे तो हम हमारे कृति से दिखाते हैं कि प्रेम दिखाते ईश्वर का प्रेम जो ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है वो हमारे कृति से उनको दिखाते हैं लव इज नॉट एनवियस अभी कल सिस्टर अनीशा पढ़ा रही थी अबाउट शिव टीचिंग अबाउट द जलसी आकांक्षा एंड प्राजक्ता अगर प्राजक्ता फर्स्ट आ रही है लेकिन उसका मार्क्स कम हो गया और आकांक्षा आ गए आई तो क्या हुआ जलसी आई ना क्या हुआ जलसी आ गई तो वहाँ पे क्या हुआ जो आ, प्रेम था मतलब एक बुरी चीज आ, आ गई उसके अंदर राइट तो वहाँ पे जो ईश्वर का प्रेम था वो उसमें कम हो गया और वो खुद के बारे में सोचने लगी अगर उसने ऐसे किया होता कि ओके अभी आ, या जाके उसको बोला था कि यू हैव डन वेल एंड आई एम हैप्पी फॉर यू अगर उसने आ, प्राजक्ता के बारे में बोला होता कि तुमने बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही पढ़ते रहो आगे चलो तो वहां पे वो क्या दिखा रही होती प्रेम दिखा रही होती वहां पे वो जलस ही नहीं यीशु का प्रेम दिखा रही होती बट अगर वो अपने खुद के बारे में सोचती है कि मुझे इतने मार्क्स से मुझे आगे जाना है मुझे मुझे टॉप पे रहना है तो वहाँ पे वो यीशु के रास्ते से नहीं जा रही है वो खाली खुद के बारे में सोच रही है और किसी के बारे में नहीं सोच रही है तो यीशु क्या कहते हैं कि आप दूसरे लोगों से यहाँ पे ऊपर भी लिखा है बी काइंड टू अदर्स डोंट बी एनवियस अगर कुछ होता है गलत इट्स ओके okay. होता है सबसे डोंट ट्राई टू बी लाइक जलस के ऐसे कैसे होगा मुझे ये करना अब ट्राई करो अगली बार और अच्छा कर सकते हो आप आप वचन को लो और आपका जो काम है दोनों एक साथ रखो और आप और प्रैक्टिस करो आप जितना प्रैक्टिस करोगे और एक बार प्रैक्टिस करोगे ईश्वर आपको और हेल्प करेगा अगर आप उसके वचन से चल रहे हो तो जब तक आप के वचन पे नहीं हो उसका प्रेम नहीं आपके अंदर तो आप सफल नहीं हो पाओगे अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको यीशु के प्रेम से चलना है आपको दूसरे लोगों को प्रेम दिखाना है ओके okay? बोस्टफुल मैं ये करता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मेरे पास ये है वो गाड़ी है इतना पैसा है ये क्या हो गया बोस्टफुल बड़ा ही रहे मैं क्या कर रहा हूँ क्या यीशु ने कभी बड़ा ही मारा नहीं वो क्या करते थे पापियों के साथ खाना खाते थे टैक्स कलेक्टर के साथ खाना खाया उन्होंने तो वो क्या थे नम्र हमें जिंदगी में नम्र होना चाहिए अगर हम नम्र हो गए तो स्वर्ग में हमें ऊंचा उठाया जाता है यहाँ पे धरती पे अगर हम खुद को नम्र करते हैं तो वहां पे हमें ऊंचा उठाया जाता है यीशु के सामने और रूढ़ इट डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स वे इट इज नॉट इरिटेबल और रिसेंटफुल तो जो प्रेम होता है वो रूड नहीं होता है किसी को आ, रूडली बात करना कोई गलती कर रहा है तो हम उनको क्या बोलोगे बोलेंगे अरे ये गलत है ऐसे मत करो तुम अगली बार से मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखूँगा काम के लिए काम के लिए या फिर आ, कभी कभी आप छोटे बच्चे हो तो स्कूल में जाते हो तो फिर टीचर को आप कभी डिसरेस्पेक्ट करते होंगे टीचर बोल रहे कि आवाज़ मत करो आवाज़ मत करो फिर भी आप क्या कर रहे हो आवाज कर तो आप एक डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हो उनकी तरफ वो रूड बिहेवियर दिखा रहे हो रूड को हिंदी को हिंदी में क्या बोलते घमंडी तो हम क्या करें घमंडी बन रहे हैं वहां पे तो यीशु ने क्या बोला है हमें घमंडी नहीं बनना है प्रेम जो होता है वो घमंडी नहीं होता है निस्वार्थ होता है इट डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स वे ओन वे यहाँ पे भी सेम है कि वो खुद के रास्ते से नहीं चलता मैं जो बोलूँगा वही करूँ करना है मैं जो uh, मैं अपने दिमाग से ही चलूँगा यही करूँगा मैं आप वचन के हिसाब से चलते हो नहीं चलते तो आप क्या सोचते हो अगर uh, यही चीज़ राइट है तो मैं यही करूँगा आप गॉड का जो आवाज़ है ईश्वर का आवाज़ है वो बंद करते हो ब्लॉक करते हो आप उनके आवाज़ को सुनने के लिए आ, उनके आवाज़ को अपने दिल में आने के लिए जगह नहीं देते आप क्या करते हो खुद के दिमाग से चलते हो जब तक आप अपनी लाइफ को होली स्पिरिट के आ, जब तक आप होली स्पिरिट को अपनी लाइफ नहीं कंट्रोल करने दोगे तो यू कान गो ऑन गॉड्स वे आपको वो सही रास्ता नहीं मिलेगा आप जिंदगी में सफल नहीं होगे आप खाली आपके रास्ते से चाहे कुछ टाइम तक आपको सफलता मिलेगी अगर आप आ, आ, आपके दिमाग से नॉलेज जाओगे लेकिन कभी ना कभी ना नीचे आने आओगे अगर वहाँ पे प्रेम और ईश्वर का वचन नहीं है तो कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हैं बहुत कुछ होता है उनके पास लेकिन वो खाली अपने रास्ते से जाते हैं और बहुत बार फिर नीचे गिर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि ईश्वर का प्रेम कितना महान है ईश्वर उनके लिए क्या क्या करता है तो, it is not irritable or resentful. वो irritable, मत, irritable मतलब क्या नहीं करता है। अभी यहाँ पे पेरेंट्स है तो आपको कभी कभी चिड़चिड़ होता है ना आपके बच्चे परेशान करते तो क्या आपको चिड़चिड़ होता है अगर आप काम हो किचन में और आपका बच्चा आके आपको बोले मम्मी मुझे भूख लगी है भूख भूख लगी भूक लगी है खाना तैयार नहीं है तो आप क्या करते हो आपको क्या बोलते हो मारूंगी मैं जाओ अपने पढ़ाई करो अभी तक खाना नहीं हुआ है ऐसे करते हो या फिर उन गुस्सा होते हो नहीं होते बहुत अच्छे पेरेंट्स है सब <laughs> ओके, okay. सो so, हम हमें चिड़चिड़ होता है अगर कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ या फिर कोई आके हमें कुछ बार बार परेशान करे तो हम क्या करते हैं चिड़चिड़ हो जाता है. है वो मनुष्य का स्वभाव है कल सिस्टर अनिशा हमें सिखा रही थी मनुष्य का स्वभाव तो हम मनुष्य के स्वभाव से चल रहे या फिर स्पिरिचुअल स्वभाव से आ, पवित्र आत्मा के स्वभाव से हम लोग चल रहे अगर हम पवित्र आत्मा के स्वभाव में होते तो हम उस बच्चे को बताएंगे कि थोड़े टाइम के लिए रुको, अभी हो जाएगा खाना या फिर प्यास से उसको समझाएंगे ना कि गुस्सा इट इज नॉट इरिटेबल और रिसेंटफुल किसी के बारे में दिल में uh, नफरत नहीं रख तो जो प्रेम होता है वो किसी के बारे में दिल में नफरत नहीं रखता है हमें बहुत बार अगर किसी ने कुछ गलत किया तो क्या होता है अरे उसने ऐसे किया तो मैं भी उसकी वाट लगाऊंगा मैं भी ये करूंगा क्या हम करते हैं चिड़ हां इरिटेबल आई से चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा अनरिसेंट रिसेंटफुल मतलब नफरत गुस्सा कि उसने ऐसे किया तो मैं क्या करूँगा मैं भी उसका बुरा करूँगा होता है करते हो हम हमारे दिल में ऐसे आता है कि उसने अगर ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा स्कूल में बच्चों का आ, होता है कि अरे टीचर उसने मुझे मारा मारा तो तो मैं मैंने उसको फाइटिंग हो जाती है तो पहले ये लड़के ने मारा तो मैंने भी उसको मचा के मारा फिर वापस उसने मारा तो फिर क्या हो जाता है झगड़ा हो जाता है लग जाता है किसी को तो ऐसे नहीं होना वचन क्या बोलता है कि जो प्रेम है वो रिसेंटफुल नहीं है अगर आप

कि मैं ये करूंगा मारूंगा उसको या फिर जो बड़े लोग हैं आपके लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया तो आप क्या करते हो अरे भगवान उसने मुझे ऐसे किया आप उस उसकी लाइफ खराब कर दो करते हैं या फिर उसने मुझे ये किया तो आ, मैं उससे बात नहीं करूंगा हम उससे बात करना बंद करते हैं हम उनको फगीव नहीं कर सकते तो हमें आपको पता है पूरे बाइबल में जो पूरा बाइबल है मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज लव एंड फगीवनेस हमारे जो टेन कमांडमेंट्स है वो पूरे टेन कमांडमेंट्स भी खाली दो चीज़ों पे है लव एंड फगीवनेस ओके तो जब तक आपके आप दूसरों को फगीव नहीं कर सकते उनसे प्यार से नहीं बिहेव कर सकते तो आपके दिल में आ, आप वो प्रेम नहीं अनुभव कर सकते ओके बट रिच इज इन द्रूथ द वर्ड वट इज ट्रूथ वर्ड तो रॉन्ग क्या है अभी यहां पे यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है रॉन्ग डूइंग्स दुनिया की चीजें पार्टी करना बाहर आ, किसी को गलत बोलना या फिर कोई गॉसिप कर गॉसिप मतलब कोई हाँ, हां किसी के बारे में कुरकुर -कुर करना हम लोग बोलते हैं कि अरे आ, कभी कभी क्या होता है खाने के बाद दो तीन लेडीज आते हैं साथ में और फिर ये हो गया अरे उधर वो हो गया अब इसके घर में ऐसा हुआ तो क्या करते हैं हम गॉसिप करते हैं ना कुरकुर -कुर करते हैं उनके बारे में उनके बारे में ये वो बातें करते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पे हम शैतान को अधिकार देते हैं हमारे ऊपर उनके बारे में बोलने के लिए हम शैतान को हमारे दिल में जगह देते हैं ओके तो जो प्रेम है ईश्वर का प्रेम वो किसी ऐसे रॉन्ग डूइंग्स में ये जो संसार की बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देता है बल्कि वचन के हिसाब से चलता है अगर आप वचन पे नहीं चलोगे तो आपको सत्य कभी नहीं समझेगा और वचन क्या है सत्य है एंड इज uh, कौन है वर्ड क्या है ट्रूथ बट वॉट इज इट जीज वर्ड इज इज यीशु खुद है वो वचन तो यीशु ये, ये पूरे बाइबल में यीशु हमसे बात करता है वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए इट बियर्स नेक्स्ट थिंग इट बियर्स ऑल थिंग्स बिलीव्स ऑल थिंग्स होप्स ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स तो प्रेम क्या करता है सारी चीज़ें पे विश्वास रखता है होप अच्छी चीज़ें को भरोसा रखता है होप आशा रखता है और एंडियर्स जो आ, सफर मतलब प्रेम से वो चीजों को अपनाता है कुछ गलत हो रहा है तो प्रेम से अपनाता है यीशु के प्यार से अभी अगर यीशु ने वो क्रॉस पे जाने के लिए मना किया होता क्रॉस पे क्रूसिफाई करने के लिए अगर उसने मना किया होता तो क्या होता वुड ही हैव won द बैटल क्या वो शैतान का जो शैतान का और येशु का जो वॉर था युद्ध था क्या वो यीशु जीत पाता अगर यीशु ने मना किया होता क्रूस पे जाने के लिए तो जीत पाता नहीं लेकिन यीशु ने क्या किया हमारे प्रेम के खातर उसने वो सफर प्रेम से वो एंडियोर किया अपनाया वो क्रूस को वो क्रूस कितना भारी होगा ना अगर कोई सादा इंसान वो क्रूस नहीं ले सकता है इवन जीजस जीजस तो उन वो भी एक थे उनके जब वो उनके पास पावर थी लेकिन तो शारीरिक ही थे ना फिजिकल तो उनको भी बहुत दर्द हो गया हमें ऐसे लगता होगा कभी कभी वो चीज है तो उनको कैसे दर्द हुआ लेकिन वो जब यहाँ पे धरती पे आए तो उन वो इंसान तो के ही रूप में आए तो इंसान के रूप में उनको सारी पेन एवरीथिंग जो हम लोग सफ़र करते वो भी इनको हुआ उनको सफर हुआ टेम्पटेशन भी उनको हुआ था ऑल द थिंग्स जीजस इसलिए उनको पता है हमारे हम मनुष्य किस चीज़ से जाते हैं उनको ईश्वर को पता है कि हम किस चीज़ से जाते क्योंकि वो खुद यहाँ पे थे अगर वो अपने पावर से सब करते मतलब ये सब चीज़ों से नहीं जाते तो उनको मतलब ये बैटल तो नहीं जीत पाते हमें सेलिब्रेशन नहीं मिलता राइट right? तो यीशु ने हमारे लिए यहाँ पे धरती पे आए और उनको पता है हम किस चीजों से जा रहे तो अगर आप कुछ भी गलत करो ना तो भी ईश्वर आपसे नाराज नहीं होता है उनको आपसे मतलब वो खाली आपसे प्रेम करते वो चाहते कि मेरा जो बच्चा है मेरा मेरे बेटी या मेरा बेटा वो मेरे पास वापस आए वो मेरा प्रेम मेरे प्रेम को अनुभव करे यही ईश्वर चाहते हैं अगर हम ईश्वर के पास ईश्वर से आपको पता है ईश्वर ने हमें बनाया जब कोई भी इंसान ईश्वर से दूर जाता है तो उन्हें कितना दर्द होगा होता होगा आपके पेरेंट्स हम, हम पे, आप पेरेंट्स हैं तो अगर आपका बेटा कहीं दूर खो गया आ, मतलब आ, स्कूल से घर पे वापस नहीं पहुंचा तो क्या होता है आपको चिंता होने लगती है आप डर जाते हो आपको आ, या फिर आपका बेटा Uh, बीमार हो गया तो आपको क्या होता है अरे मेरा बेटा बीमार हो गया है अरे नहीं कर हुआ होगा ऐसे होता है ना आपको होता है अगर आपका लड़का आपकी बेटी पेरेंट्स से बात नहीं करे उनके पेरेंट्स से बात नहीं कर तो क्या होता है बहुत बुरा लगता है ना मैं मेरे पेरेंट्स के साथ झगड़ा करती हूँ लेकिन Uh, मैं बात किए बिना नहीं रहती हूँ मेरे डैडी के साथ मेरा बहुत होता था झगड़ा लेकिन बाद में फिर से हम लोग बात करने लगते बट जब कोई बेटा अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है हम मतलब उदास हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता क्या करना चाहिए वैसे ही अगर ईश्वर का हम बच्चे उनसे दूर जाएंगे तो उन्हें कितना नाराज वो कितना नाराज होते होंगे उन्होंने तो खुद हमें उनके इमेज एंड लाइकनेस में बनाया है उन्होंने हमें उनकी तर, ओ, उनके जैसे बनाया है राइट तो उनको कितना बुरा लगता होगा अगर हम उनसे दूर जाएंगे अगर हम ये दुनिया की चीज़ों में देखें अगर प्रेम नहीं करेंगे किसी से तो कितना बुरा लगता होगा क्या हमने ये कभी सोचा है क्या हम सोचते हैं कि या? आज मैंने ये गलती की तो ईश्वर को कितना बुरा लगा होगा कि कभी सोचा है नहीं हम क्या करते अरे हो जाएगा आ, ये गॉड ने बोला है, तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें फगीव करूंगा हो जाएगा लेकिन नहीं जितनी बार उनको दुख दर्द देते हो उनसे दूर हो जाते हो उतना उनको और फट के पड़ते हैं जो थर्टी नाइन लाशेस उनको पड़े थे जितना आप उन भगवान को मतलब आप कुछ भी गलती करते हो पाप करते हो उतने और ज्यादा उनको, उनको और ज्यादा मिलते हैं। उनको और पेन होता है तो अगर हम ईश्वर के रास्ते से जाएंगे जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं क्या हम प्रभु का वचन बोलते हैं या फिर दुनिया की चीजें बोलते हैं अरे आ, मतलब जैसे कि वो इन, आ, किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं उसने ऐसा किया वैसा किया ये सब चीज़ों पे ध्यान देते या फिर हम प्रभु का वचन यहाँ पे जो पढ़ा थे वो वचन हम बार बार बोलते रहते हैं ऐसा करते हैं हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं प्रभु से आ, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के नजदीक आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए आपको होली स्पिरिट हर वक्त गाइड करेगा आपको पता ये मेरा पहला सेशन है मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँगी मैं लाइक मैं बहुत स्ट्रेस थी क्योंकि मैंने ऐसे कभी इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोला है इवन दो मैं टीचर हूँ क्लासरूम में अलग है क्लासरूम में क्या चार दीवार है वहाँ पे कोई देखने नहीं आता और वो बच्चे तो छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे क्या लेसन दिया है वो एक्सप्लेन करना है खाली दो तीन बुक्स पढ़े वो एक्सप्लेन करना है स्मार्ट बोर्ड लगाना है हो गया यही होता है लेकिन ये वचन मुझे ऐसे लग, अगर मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन दूंगी तो क्या होगा क्या मैं उनको चेंज उनका दिमाग बदल सकती हूँ ऐसे ये सब विचार आ रहे थे मुझे पता नहीं था लेकिन सिस्टर uh, सेलिना ने मुझे बताया कि होल स्पिरिट इज गोइंग टू वर्क इन यू होल स्पिरिट आपको गाइड करेगा लेकिन कब जब आप उसको अनुमति दोगे आपके जीवन में वेन यू गिव इम द परमिशन टू कंट्रोल योर लाइफ राइट आप अगर आपके दिमाग में खाली संसार की बातें रखोगे भर के रखोगे तो आपके जीवन में मतलब कुछ आ, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं आपको वो जो मार्ग है वो कभी आ, खुला नहीं होगा सिर्फ ऑब्स्टैकल्स ही आते रहेंगे जब तक आप होली स्पिरिट को आपके जीवन में आने के लिए आ, जीव आपका दिल हृदय खुला नहीं रखते हो तब तक वो आपके हृदय में काम नहीं कर सकता है आपको खुद ही आपका माइंड चेंज करना है कैसे वचन के द्वारा कल भी सिस्टर अनिशा बोल रही थी जब तक आप आपका माइंड रिनेव नहीं करोगे तब तक आप वचन के हिसाब से नहीं चल पाओगे राइट यस हालेलुयाह हालेलुयाह ओके पुट अ फोर्थ स्क्रिप्चर अभी ये जो वचन है ना वो हम uh, जहां पे लव लिखा है वहां पे हम क्या बोलेंगे मैं मी क्या बोलेंगे May. मी आई ओके सो सबको मेरे पीछे बोलना है आई एम पेशेंट वन सेकेंड So, हल, हले लोया किसको ईश्वर के प्रेम से चलना है हाथ ऊपर कीजिए जिसको जिसको इसको ईश्वर के प्रेम से चलना है उन्होंने जो अभी प्रिंसी सिस्टर बोल रहे है, वो फॉलो करेंगे तो आपके अंदर ईश्वर का प्रेम ही रहेगा संसार का प्रेम आप छोड़ देंगे तो आज से फर्स्ट करंती तेरहवा अध्याय वचन संख्या चार से सात तक रोज बार बार हंड्रेड बार आपको लिखना है और हजार बार आपको बोलना है और आठ दिन में आपका सब देखो कितना चेंज होता है परिवर्तन हो जाता है आपके अंदर तो आज से सिस्टर जो भी बोल रही है वचन उसके पीछे दोहराओ और रोज ये प्रैक्टिस करो जब ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर लव का प्रभु का प्रेम भरा होगा हालेलुया हालेलुया अगर आप ये वचन बोलते हो तो आप वैसे कृति में भी रखना है आप यहाँ से बाहर जाते हो तो खाली बोलने बोलना है इसके लिए नहीं बोलना है अब जब ये वचन को आपके दिल में रख के बोलोगे तभी वो चीजें इट विल कम इन टू प्रैक्टिस ओके खाली बोलने से मैं भी बोल सकती हूँ या फिर कोई भी बोल सकता है लेकिन जब आप दिल से बोलोगे विद य माइंड अब जब आपका दिमाग चेंज करके बोलोगे तो सारी चीज आपको खुद से नजर आएगा आप में जो बदलाव हो रहा है ओके प्रेस कॉल सो अभी आपको क्या करना है जहाँ पे लव है जहाँ पे लव लिखा है वहाँ पे आपको खुद का नाम बोलना है फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी प्रिंसी इज पेशेंट प्रिंसी इज काइंड प्रिंस प्रिंस नॉट एनवियस तो ऐसे बोलना है मैं बोलती हूँ आप पीछे बोलो ओके okay? मैं मेरा नाम लेके बोलूँगी आप आपका नाम लेके बोलो मेरा नाम मत लेना ओके <laughs> okay. मैं धीरजवंत हूँ देखना जॉन धीरज बनते हैं प्रिंस बोलो आपका नाम लेके बोलो और कृपालु है और कृपालु है डाह नहीं करता नहीं आपको जहाँ पे भी प्रेम लिखा है वहाँ पे नाम लेना है सब जगह पे yes. एक मिनट मैं मेरा नाम लेके बोलती हूँ आप पीछे बोलो प्रिंसी इज पेशेंट

Or rude. I does not insist on my own ways. I does not insist on my own ways. I does not insist on my own way. Prince is not irritable. Or resentful. Princey does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. Prince does not rejoice in wrongdoings, but rejoices in the truth. Princey Prince bears all things. Believes all things. Believe all, things. Hopes, all things, hopes all things, endures all things. Filip Prince is patient, Princess is kind, Princess is not envious, or boastful, or arrogant, or rude, Princey does not insist on her own way a uh, prince is not irritable or resentful. Prince does not rejoice in wrongdoings but rejoices in the truth. Prince bears All things believes all things, hopes all things, endures all things. जब कोई इंसान आपको लगता है कि वो यीशु के रास्ते पे नहीं है, आप चाहते हो कि वो यीशु के रास्ते पे आए, रास्ते पे आए, तो आप क्या कर सकते हो? जहाँ पे प्रेम लिखा है, जैसे हम आप खुद का नाम ले रहे थे, वहाँ पे आप उनका नाम लेके बोल सकते हो। अगर उन्हें नहीं बोलना है, तो आप उनके लिए बोल सकते हो कि वो इंसान पेशेंट है वो इंसान काइंड है और और uh, वो इंसान के बारे में आप इंसान का नाम लेके बोल सकते हो तब क्या होता है आपने आपका काम यहाँ पे किया बोलने का विश्वास से खाली नहीं बोलना है विश्वास से बोलना है ओके okay? तो विश्वास मतलब क्या जो चीजें हमें नहीं दिखती है फिर भी हम उन चीजों पे भरोसा रखते हैं ओके तो जब आपको नहीं दिख रहा है कि वो इंसान वैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप विश्वास करते विश्वास करते हो तो आप विश्वास करते हो कि वो इंसान पेशेंट है वो इंसान काइंड है तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा वहां पे कार्य करते हैं तो अभी हम उस ब्रदर के लिए प्रेयर करेंगे ओके okay, तो जब आप पवित्र आप आपका बोलने का काम करते हो कि वो इंसान पेशेंट है काइंड है तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं वो जो इंसान है उस इंसान की लाइफ में चेंजेस लाता है उसको प्रेम करना सिखाता है चाहे आप उसको मत बोलो आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते प्रेयर करने के लिए ये करो वो करो लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना बोल सकते हो वचन बोल सकते हो ओके तो होली स्पिरिट उसके दिल में कार्य करता है उसके लिए प्रेम लाता है प्रेम भरता है उसका उसका जीवन पूरी तरह से बदल देता है ओके Okay. Hindi में हम वो स्क्रिप्चर लेंगे एक बार एक वेट 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 मराठी हाँ मराठी आपका नाम लेके बोलो ओके okay? तुमसे नाव क्यों बोला हाँ. तो हमसे सिस्टर के पीछे बोलेंगे ब्रेनेल. हॅलेलुया 1 कोरिंथ 1 ब्रिनेल सहनशील आहे प्रिन्सिप सहनशील परोपकारी आहे परोपकारी आहे ब्रिनेल हेवा करीत नाही ब्रिनेल बढाई मारित नाही बढाई मारित नाही ब्रिनेल फुगत नाही प्रिन्सिप फुगत नाही ब्रिनेल गैरशिस्त वागत नाही स्वार्थ पाहत नाही, नाही, चिड़त ब्रिनेल अपकार स्मरत नाही ब्रिनेल अनितीत आनंद मानित नाही तर सत्यासंबंधित सत्या सबंधी आनंद मानते आनंद मानते ब्रिनेल सर्व काही प्रिंसी सर्व काही सहन करते सहन करते ब्रिनेल सर्व काही प्रिंसी सर्व काही खरे मान्यास खरे मान्यास सिद्ध असते सिद्ध असते ब्रिनेल सर्वांची प्रिंसी सर्वांची आशा धरते आशा धरते ब्रिनेल सर्व संबंधाने सर्व धीर धरते धीर धरते ब्रिनेल कधी प्रिन्सी कधी अंतर देत नाही ब्रिनेल सहनशील आहे ब्रिनेल परोपकारी आहे ब्रिनेल हेवा करीत नाही ब्रिनेल बढाई मारत नाही फुगत नाही ब्रिनेल गैरशिस्त वागत नाही ब्रिनेल स्वार्थ पाहत नाही ब्रिनेल चिडत नाही ब्रिनेल अपकार स्मरत नाही ब्रिनेल अनितीत आनंद मानित नाही तर सत्या संबंधी तर सत्या संबंधी आनंद मानते आनंद मानते ब्रिनेल सर्व काही सर्व काही सहन करते सहन करते ब्रिनेल सर्व काही काही खरे मान्यास सिद्ध असते सिद्ध असते ब्रिनेल सर्वांची सर्वांची आशा धरते आशा धरते ब्रिनेल सर्व संबंधाने प्रिन्सी सर्व संबंधांनी धीर धरते धीर धरते ब्रिनेल कधी प्रिंसी कधी अंतर देत नाही अंतर देत नाही ओके प्राजकता प्रिंसी प्रेम धीर्जिवंत हे प्रेमaina प्राजकता प्राजकता कृपालु हे विश्वास

झुंझलाती नहीं, नहीं। प्राजकता बुरा नहीं मानती कु कुकर्म से कुकर्म से आनंदित नहीं होती आनंदित नहीं होती परंतु परंतु सत्य से सत्य से आनंदित आनंदित होती है होती है वह वह सब बातें सह लेती है सह लेती में मैं सब बातों पर सब बातों पर विश्वास विश्वास, विश्वास करती हूँ करती हूँ सब बातों की सब बातों की आशा रखती हूँ आशा रखती हूँ सब बातों में सब बातों में धीरज धीरज धरती दी हूँ प्राजक्ता प्रिंसी

व्यवहार नहीं, नहीं करती मैं, मैं अपनी अपने भलाई नहीं चाहती, भलाई नहीं चाहती।, नहीं चाहती। मैं झुंझलाती नहीं नहीं। बुरा नहीं मानती नहीं मानती कुकर्म से कर्म ऐसी आनंदित नहीं होती आनंदित नहीं होती परंतु परंतु सत्य से सत्य से आनंदित आनंदित होती हूँ होती मैं मैं सब बातें सब बातें सह लेती हूँ सब बातों पर सब बातों पर विश्वास विश्वास करती हूँ करती सब बातों के आशा आशा रखती रखती धीरज धीरज धरती हूँ okay. तो अभी कितने लोग यीशु के वचन से प्रेम के बारे में प्रेम दिखाने वाले अपने कृति से यीशु के वचन से चलेंगे तो आपको क्या करना है निस्वार्थ जीवन जीना है क्या करना है निस्वार्थ जीवन अगर हम खाली खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आ, हमें कभी यीशु का प्रेम नहीं दिखेगा हमें अगर यीशु को अपने दिल में हम अगर यीशु को अपने दिल में रख के हम यीशु को सारी चीज़ें पूछेंगे तो वो सारी गुण अच्छे गुण हमारे अंदर दिख जाते हैं और वो सामने वाला भी इंसान जो है वो बोलेगा अरे ये कितना चेंज हो गया इसके अंदर कित मतलब ये कैसा पहले था और अभी कितना मतलब प्रेम से भरा हुआ है और वो भी आपकी कृति देख के आपके कार्य देख के उनके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा हाली लुया लॉर्ड ओके आपके लिए होमवर्क है ये जो वचन है वन कोरियन थर्टीन चैप्टर फोर टू एट तो ये आपको Uh, अभी ना खाना खाने के बाद क्या करना है पहले खाना खाओ उसके बाद ये वचन आपको बोलना है आपके पास बाइबल है सबके पास बाइबल है है बाइबल नहीं है तो फोन है ना सबके पास ये वचन ओपन करके वचन बोलना है आपका नाम लेके इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपको वचन बोलना है ओके लेट्स ऑल क्लोज आइज़ वर्शिप सॉन्ग ओके, लेट्स लुक एट द क्रॉस क्रिस्ट का वो जो क्रॉस है वहां पे ये उस क्रॉस पे उसने अपना जीवन दिया है हमारे लिए उसे कितना दर्द होता होगा हमारी हमारी वजह से हमारे सारे पाप उसने खुद के ऊपर लिए वो निर्दोष था पापी नहीं था बिल्कुल भी फिर भी उसने हमारे प्रेम के खातर खुद का जीवन दिया और वो हम सबसे कहता है कि तुम मेरे हो यू आर माइन आई हैव कॉल्ड यू बाई योर नेम यीशु क्रिस्ट हम सबसे प्यार करता है वो कहते है आपसे आप प्यार करता हूं मैंने आपको मेरे जैसा बनाया है उसका जो लहू है वो हम सबके ऊपर गिर आ रहा है और उसने उसके लहू से हम सब लोग शुद्ध हो गए वी ऑल आर completely healed by his wounds. his blood overflows through our body and it has made us, made us pure. when jesus died on the cross he took all our sins. lord jesus, you're the most high god. you're a savior. today all that we learn about your love, all that you have done for us. We, we cannot ask for more, Lord Jesus. You are an amazing God. You are always by our side, even though we, most of the time, we hurt you. We go away from you, but still, you are always there for us. You tell us, whenever you need me, just call me. And I'll be there. So, Lord Jesus, we are really thankful to you for all that you have done, for always listening to your prayers, for always showing, you the, showing us the right way. And, Lord Jesus, we believe that we are going to walk in love, we are going to spread your love to the people around us. As you showed your love through your actions in the same way, we'll be we will do, uh, we'll change our life, and we are going to renew our mind and live in your love, through your word. Your Holy Spirit is always guiding us through all the works you have given us, your mind. As your scripture says, we can do all things to Christ, who strengthens us. So Lord Jesus, we believe that you are always with us. There whatever obstacles there are in our lives, we you have come, given us the authority over those obstacles, and by your word we overcome over that obstacles. Lord Jesus, we believe that you have healed all of sickness. You have given us a new life. We are a new creation new lord jesus when you rose again from the dead on the third day you gave us a new salvation we became a new creation and lord jesus we thank you that through your love we were set free from all the sins no evil can harm us and no sickness can come over us If we make this prayer to Christ our Lord.